हेलो फ्रेंड, एनोरमा चैनल। आज हम लोग एक ड्राइंग इजल स्टैंड के अनबॉक्स करके उसके फुल रिव्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे बॉक्स में इजल स्टैंड आया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। ये अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है, तो अमेजोन में बहुत कम प्राइस में मुझे मिल गया है। तो अभी के लिए कितना प्राइस है वो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो हम लोग एक साइड से ओपन करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक का जो टेप लगा हुआ है, तो टेप यहाँ से हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही बिल दिया हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने जब ऑर्डर किया था तब इसका प्राइस था 474। तो अभी प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर लीजिए। तो ये रहा ड्राइंग इजल स्टैंड, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर पैकिंग होकर आया है, यहाँ पर ऐसे कैरिंग केस में आया है। तो ये लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है। और यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर चेन दिया हुआ है। आपका ये जो है ये ड्राइंग बोर्ड रखने के लिए जो नीचे की तरफ जो स्टैंड है, ये स्टैंड यहाँ पर दिया हुआ है। और ये रहा मेन कंटेंट, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है। पूरी तरह एलुमिनियम मेटल से बना हुआ है। और यहाँ पर जो लॉक वगैरह है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब प्लास्टिक से बना हुआ है। नीचे की तरफ जो है ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है। तो यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी जगह रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे करके यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर जो क्लिप दिया हुआ है ये एडजस्ट करने के लिए, हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जितना क्लिप वगैरह है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ एडजस्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको यूज़ करके हम लोग देखेंगे। तो आप ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, और आपके घर में नहीं तो शॉप में कोई भी इवेंट चल रहा है तो इस स्टैंड में बोर्ड लगा के आप बाहर लगा सकते हैं। तो ये जो क्लिप है ये ऊपर की जो पोर्शन है वो हाइट ज़्यादा कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये लॉक ऐसे लॉक होता है, जितना हाइट देना है वो देके आप यहाँ पर लॉक कर दीजिए, लॉक हो जाएगा। और उसके बाद ये जो दो स्टैंड में जो यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए एंगल ऐसे लगाना पड़ेगा, जो बोर्ड रहेगा वो बोर्ड इसके ऊपर रहेगा। तो ये स्क्रू भी आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं।
तो चलिए, अभी मेरे पास कोई भी बोर्ड वगैरह नहीं है, तो बोर्ड जैसा एक टेबल है, तो टेबल को हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो ऐसे सेट करके आपके ऊपर के साइड में जो क्लिप है वो क्लिप आप नीचे करके यहाँ पर सेट कर दीजिए, तो ये गिरेगा नहीं। नीचे की साइड में जो क्लैंप है वो सपोर्ट करने के लिए, और ऊपर के साइड में जो क्लिप है वो बोर्ड को अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा। तो चलिए, अभी इसका जो हाइट है हाइट हम लोग देख लेंगे। तो इस ईसीएल स्टैंड में 3 लेग दिया हुआ है। तो सबसे पहला वाला जो हाइट है वो इतना तक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद भी और भी हाइट होगा। तो चलिए, इसका जो हाईएस्ट हाइट है वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो इसका जो फुल साइज है वो 160 सेंटीमीटर है, और ऊपर की साइड में जो हाइट है वो 83 सेंटीमीटर है। तो ये जो हाइट है, इस हाइट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बड़ा जैसा कोई बोर्ड है वो बोर्ड आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, इसलिए मैंने ये छोटा सा बोर्ड ला के हम लोग दिखा रहे हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेटल से बना हुआ है। तो आपके पास इससे बड़ा बोर्ड है तो वो बोर्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप इसे 3 kg तक आप वेट डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड, ऐसे टाइप का जो ड्राइंग इजिल स्टैंड है वो आप इजिली कैरी कर सकते हैं। कोई भी जगह आप ऐसे स्टैंड करके ड्राइंग वगैरह, नहीं तो बोर्ड वगैरह लगा के आप रख सकते हैं, उसके बाद आप फिर से छोटा करके कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको क्या लगता है कौन सा ड्राइंग इजिल स्टैंड अच्छा है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए भी इतना ही। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन भी दबा दीजिए।